सब्सक्राइब करिए ईएमटी सॉल्यूशन चैनल को लेटेस्ट टेक वीडियो और सभी तरह के टेक्नोलॉजी रिलेटेड सॉल्यूशन पाने के लिए और लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, मैं मनीषा का स्वागत करता हूं आप सभी चैनल एमटी सॉल्यूशन में। दोस्तों, यहां हम बात करने वाले गूगल इमेजेस के सर्विस एरिया के बारे में कि आखिरकार क्या है ये, इसका क्या प्रोसीजर है, क्या इफेक्ट करते हैं, कितने सर्विस एरिया आप डाल सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर ये सारा प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आइए शुरू करते हैं दोस्तों इस वीडियो को, आगे बढ़ते साथ ही दोस्तों मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूले और मेरे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले। दोस्तों, आप देख पा रहे हैं जैसे कि मैं आ चुका हूँ मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पे हम बात करने वाले सर्विस एरिया के बारे में। काफ़ी लोग सर्विस एरिया के बारे में जानना चाहते हैं कि आखिरकार कैसे इसे यूज में लेते हैं, कैसे इसको प्रॉपर तरीके से यूज में रखें, हमारा जो गूगल अकाउंट है वो सस्पेंड भी ना हो, हमारा जो लिस्टिंग है वो चलता भी रहे और काफ़ी अच्छे सर्चेस भी आए। यहाँ पे सर्विस एरिया मैं आपको बता देता हूँ कि दो वजह से बनाया गया सर्विस एरिया। पहला, ऐसे बिजनेस के लिए बनाया गया है जो बिजनेस की कोई प्रॉपर लोकेशन नहीं है, जैसे कि कोई रिपेयरिंग सर्विस वाले होते हैं वो घर घर जाके वो चीज़ सर्विस देते हैं, और एक उन बिजनेस के लिए जिनका वो चाहते हैं कि अपनी लोकेशन तो मैनेज कर ही रहे हैं, एक जगह पे इन्होंने शॉप खोल रखी है, बट वो चाहते हैं कि सिटी, दूसरी सिटी में जाके भी वो अपना बिजनेस दे सकते हैं या फिर पर्टिकुलर उस सिटी के अंदर काफ़ी सारे जो लोकेशंस है उसके अंदर वो अपना बिजनेस दे सकते हैं। तो इस केसेस में आपको सर्विस एरिया मैनेज करना होता है। अब काफ़ी लोग गलती ये कर देते हैं कि स्टेट वाइज आप सर्विस एरिया मैनेज करते हैं, मान लीजिए आपने राजस्थान डाल दिया, फिर आपने वेस्ट बंगाल डाल दिया। आपको ऐसा नहीं करना, इसमें सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि सपोज करो मैं राजस्थान के अंदर हूँ और राजस्थान के अंदर मैं अपनी सर्विस देने वाला हूँ इन्हीं सिटीज़ के अंदर, राजस्थान में जो सिटीज़ है उसी में सर्विस दूंगा। इसके अलावा जैसे मैं दूसरे स्टेट की कोई सिटी का नाम लिखता हूं तो मेरा ये वायलेशन कहलाएगा, अगर ये चीज मैंने करी तो मेरा जो अकाउंट है वो सस्पेंड हो जाएगा दोस्तों। तो इसलिए आप कोशिश करिए कि आप ऐसी चीज ना करें जब भी आप सर्विस एरिया को मैनेज करते हैं। आप देख सकते हैं यहां पर, जैसे कि मैं यहां प्रोफाइल के ऊपर जाता हूं, ये जाने के बाद में जैसा कि मैंने मेरी लोकेशन नहीं लिख रखी, क्यों, क्योंकि मेरा बिजनेस है वो अलग अलग लोकेशन मैंने ऑलरेडी बना रखा है, तो मैंने एक सर्विस एरिया के अकॉर्डिंग अपना बिजनेस मैनेज कर लिया। अब यहां पर मैं चाहता हूं कि सर्विस एरिया के अकॉर्डिंग भी अपना बिजनेस मैनेज करूँ, तो यहां पर मैंने अपनी सिटी लिख दी। फिलहाल के लिए मैंने यहाँ पे यूजर नेम डाल दिया मेक इन ब्रांड राजस्थान। सो इसको मैंने मैनेज कैसे करा, मैंने अपनी सर्विस को यहाँ से लोकेशन नहीं डाली क्योंकि इसके लिए ऑलरेडी मेरे पास बना हुआ है अकाउंट, तो मैंने यहाँ पे सर्विस एरिया से मैनेज करा। सर्विस एरिया मैंने क्या करा, इसी सिटी, इसी राजस्थान के अंदर जो जो सिटीज होती है उन सिटीज़ को यहाँ पर एंटर कर लिया। तो आप काफ़ी लोग गलती ये करते हैं कि जो भी सिटी मैनेज करते हैं उसमें 20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, 50 किलोमीटर लिख देते हैं। ऐसा नहीं करना आपको। आप राजस्थान में सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं या फिर अपने स्टेट में सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं तो वहाँ की सिटीज़ को कैप्चर कर सकते हैं, वहाँ की सिटीज़ को रख सकते हैं, बट यहाँ पर सर्च करिए आप पहले। काफ़ी लोग क्या करते हैं, जैसे मैंने जयपुर सर्च करा और जयपुर आप देख पा रहे हैं काफ़ी सारे निकल कर रहे हैं, जयपुर में, राजस्थान में, जयपुर उड़ीसा में, जयपुर वेस्ट बंगाल में। तो काफ़ी लोग देखते नहीं हैं, सिर्फ सीधा क्लिक कर देते हैं। अब जयपुर उड़ीसा में क्लिक कर दिया मतलब वायलेशन है कि मैंने दूसरे स्टेट में जाकर उस सिटी को सिलेक्ट करा। तो आप देखिए पहले कि आप क्या सिलेक्ट करें, जो उसमें आता है वही आप फिल करिए। ऐसा नहीं कुछ भी आप डाल के अप्लाई कर देंगे, इससे जो आपका अकाउंट है वो बंद होने का डर बना रहेगा। तो आप कोशिश करिए कि एक ही सिटी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट एरिया, जैसे कि मान लो जयपुर है तो जयपुर में वैशाली नगर है, मानसरोवर है, ये मैंने एरिया सेलेक्ट कर लिया अगर मैं पर्टिकुलर जयपुर में सर्विस प्रोवाइड कराता हूँ। दोस्तों, जैसे पर्टिकुलर जयपुर में सर्विस प्रोवाइड कराता हूँ तो मैंने ये वाले एरिया सेलेक्ट कर लिए। अब मुझे लगता है कि जयपुर तो मैं वैसे भी डाल सकता हूँ, तो इसके अलावा मैं एक काम करता हूँ, दूसरा जो राजस्थान का दूसरी सिटी है वो मैं इंक्लूड कर देता हूँ, तो ऐसा भी आप कर सकते हैं। बट ऐसा ना करिए कि कोई भी उठा के दूसरे स्टेट का आपने डाल दिया, तो यहाँ पर एक बार तो लग जाएगा, हो सकता है 50% चांसेस वो लग जाए, उसके बाद में ऑटोमेटिकली वो चीज़ है वहाँ से सस्पेंड हो जाएगी। तो इसको आपको इस तरह से प्रॉपर वे में मैनेज करना है जिससे कि आपके अच्छे खासे व्यूज आएंगे, सर्चेस आएंगे और आपका बिजनेस ग्रो भी करेगा। इस तरह से आप सर्विस एरिया मैनेज करिए, पहले देख लीजिए यहाँ पे अवेलेबल है या नहीं, उसके बाद मैनेज करिए। चाहे तो आप दूसरे स्टेट में अगर बिजनेस करते हैं तो उसके लिए अलग से गूगल मैप बना सकते हैं, वहाँ पर सर्विस एरिया कैप्चर कर सकते हैं। इससे आपको मल्टीपल गूगल मैप अलग अलग लोकेशन बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सपोज करो जयपुर के लिए गूगल मैप हो गया, तो मैंने देखो अजमेर, राजस्थान, जयपुर सब जगह लिख दिया, तो इनके लिए गूगल मैप बनाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका इसी से काम चल जाएगा। इसी तरह से आप पर्टिकुलर अगर पूरा स्टेट भी कवर करना चाहते हैं, अलग अलग स्टेट कवर करना चाहते हैं, तो इस तरह से आप स्टेट कवर कर सकते हैं दोस्तों।